पिछले कितने समय से आपने हमें ये कहते हुए सुना होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जजमेंट आने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में कई प्लीज इस मामले में फाइल की गई थी और जिसमें से एक प्ली और किसी ने नहीं बल्कि एडीआर ने फाइल की थी जो कि इस केस के मेन पिटीशनर रहे हैं। एडीआर की ओर से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस के समय बीजेपी यानी कि रूलिंग पार्टी को खूब फटकारा था और कई ऐसे डाटा शो किए थे जो ये दिखा रहे थे कि इस स्कीम की वजह से और किसी को नहीं बल्कि सिर्फ बीजेपी को काफी फायदा हुआ है और पॉलिटिकल डोनेशंस को ट्रांसपेरेंट करने के अलावा इस स्कीम ने उल्टा इसे और उपेक कर दिया है। अब जो नई प्ली लेकर सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण पहुंचे थे उसमें ये कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के डाटा इंक्लोज होने के बाद ये साफ दिख रहा है कि कंपनीज और इंडस्ट्रीज ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने फेवर में ऑर्डर्स देने के लिए पैसे दिए थे और इसी में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक SIT बनानी चाहिए जो इसे प्रॉपर जांच कर सके। और तो और हमने आपको सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के स्ट्रगल के बारे में भी बताया है इस प्ली की अर्जेंट लिस्टिंग की मांग करते हुए। एक बार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस केस को लिस्ट करने के बावजूद ये केस टेकअप नहीं हुआ है, पर आपको अब बता दें कि फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस केस की सुनवाई शुरू की है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए एक नज़र इस हियरिंग पर डालते हैं कि आखिर इतने इंतजार के बाद सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के क्या पॉइंट्स रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने, जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिसेस JV पर्दीवाला और मनोज मिश्रा मौजूद है और क्यों सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उल्टा सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण को ग्रिल किया, आगे देखते हैं। हियरिंग शुरू करते सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने स्टेट किया दैट मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स वर फॉर अ क्विड प्रो को सम फॉर गिविंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ओनली 1% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज इन इलेक्टोरल बॉन्ड। ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होकर देश के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है, ऐसा कहते हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने आगे स्टेट किया, दीज मैटर्स नॉट जस्ट इन्वॉल्व पॉलिटिकल पार्टीज बट ऑल्सो प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट फाइनेंशियल स्कैम्स इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री। ये सुनकर तो बेंच काफी चौंक गई और आपस में डिस्कस करने पर मजबूर हो गई, पर यहाँ भी सीनियर एडवोकेट भूषण रुके नहीं और उन्होंने स्टेट किया that this is exactly what you apprehended in the judgment. What has emerged is absolutely shocking. हालांकि यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने सवाल करते हुए पूछा इस केस में एक SIT क्या ही इन्वेस्टिगेट करेगी and asked let the normal course follow. We ordered disclosure. We have gone up to a certain point where we request the scheme. What does an SIT investigate into this? जिसका पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट भूषण ने कहा whether there was quid pro quo and who was involved. इस पॉइंट पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस केस में तो दिस वुड वर्चुअली बी एन ओपन एंडेड इंक्वायरी, लेकिन सीनियर एडवोकेट अभी भी अपनी बात पर अड़े रहे और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई स्कैम केसेस में SIT का ऑर्डर दिया है और ये तो फिर भी देश का वर्स्ट स्कैम है। जब इसके बाद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस केस में पहले एक FIR फाइल करनी होगी और फिर ही इन्वेस्टिगेशन होगी, तो सीनियर एडवोकेट भूषण ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को इस केस की सीरियसनेस समझाते हुए स्टेट किया गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व, रूलिंग पार्टी आर इन्वॉल्व, टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस आर इन्वॉल्व, मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी केस ऑफ करप्शन दैट हैज कम टू लाइव इन दिस कोर्ट, नथिंग विल कम आउट इन अ नॉर्मल FIR। जिसके साथ ही एडवोकेट भूषण ने ऐड किया कि अगर इस इन्वेस्टिगेशन की इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग बाय अ रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं होगी तो जांच में कुछ भी सामने नहीं आएगा। जिसके बाद सीनियर एडवोकेट भूषण टेक्स द कोर्ट टू द रिटन सबमिशंस ऑन द डिस्क्लोजर ऑफ बॉन्ड्स परचेज्ड। हालांकि यहां पर CGI ने सवाल करते हुए वापस से पूछ लिया डू वी अपॉइंट अ कोर्ट SIT व्हेन देयर आर रेमेडीज अवेलेबल बाय लॉ, लेकिन इसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट भूषण ने कहा कोर्ट सेड इन द कोल स्कैम दैट दे विल मॉनिटर द इन्वेस्टिगेशन टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन, इन दिस केस नथिंग विल हैपन अनलेस अ रिटायर्ड जज मॉनिटर्स द इन्वेस्टिगेशन बिकॉज हियर वी हैव CBI, ECI एक्सेट्रा प्रीमियर एजेंसीज विच वर इन्वॉल्व इन हाफ ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड्स देयर वॉज अ क्विड प्रो को। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में मनी ट्रेल भी है जिससे काम थोड़ा और आसान हो सकता है एंड दैट देयर इज अ मनी ट्रेल ऑफ मोर देन 8,000 crores इन सम केसेस द कंपनी एक्नॉलेजेस लाइक ISB एग्रो विच पेड 40 crores इन इलेक्टोरल बॉन्ड एज इट वॉज फेसिंग इश्यूज इन द तमिलनाडु स्टेट, इट इज नॉट लिमिटेड टू ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी। इस पॉइंट पर जस्टिस JB पर्दीवाला ने भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह सवाल किया और पूछा दिस विल बी अ फार फेस्ट रोविंग इंक्वायरी, यू सेड शेल कंपनीज आर इन्वॉल्व, What will SIT do? What do you expect SIT to do on the basis on quid pro quo? पर उन्हें भी समझाते हुए सीनियर एडवोकेट भूषण ने स्टेट किया Look at those cases where prima facie evidence has come to light by means of investigating report by media organizations. सीनियर एडवोकेट भूषण ने सुप्रीम कोर्ट को उन्हें कोल स्कैम के जजमेंट की याद दिलाई जिसमें उन्होंने SIT से एग्री किया था और स्टेट किया In coal gate case, the court quashed the coal mining leases on grounds of arbitrariness and felt there was a sufficient circumstances to inquire into the mining leases. Isme further add karte hue senior advocate Bhushan ne state kiya hai the contract is under consideration. 140 crores of electoral bond is given within 1 month contract is enforced. Who will investigate? Government, political parties, company,
दे ऑल आर अपीयरिंग टू बी इन्वॉल्व्ड। यूनियन के अलावा सीनियर एडवोकेट भूषण ने ईडी और सीबीआई सबके रोल की भी जांच की मांग की है, क्योंकि शक की निगाहें उन पर भी आ टिकी है। लेकिन यहाँ पर सीनियर एडवोकेट भूषण से सवाल करते हुए जस्टिस मिश्रा भी नजर आए, जिन्होंने स्टेट किया, हैज एनी अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बीन चैलेंज्ड इन एनी रिट, इज देयर एनी मटेरियल टू शो दैट द अवार्ड हैज टू बी फॉर एक्स प्राइस एक्सेट्रा, देयर हैज टू बी डाटा ऑन दिस फॉर एसआईटी टू लुक इनटू दिस। तो जस्टिस मनोज मिश्रा को समझाते हुए सीनियर एडवोकेट भूषण ने कहा कि इसीलिए भी तो एसआईटी की जान जरूरी है, क्योंकि एक नजर में टाइमलाइंस एंड गिविंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शोज देयर वाज क्विड प्रो क्वो बाय एंड लार्ज राइवल कंपनीज इन दीज बिडिंग्स आर अफ्रेड टू चैलेंज द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दे आर स्केयर्ड फॉर बीइंग ब्लैकलिस्टेड। इट इज ओनली द पब्लिक स्पिरिटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक अस दैट कम टू द कोर्ट। सम इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट वर एबल टू अनअर्थ दीज फैक्ट। हालांकि ये सब सुनकर जस्टिस परदीवाला ने कहा, देयरफॉर वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट ओनली एसआईटी इज नॉट द सॉल्यूशन। लेकिन सीनियर एडवोकेट भूषण इस बात से खुश नहीं दिखे और उन्होंने समझाते हुए फिर से कहा, इफ थ्रेट इज डिस्कवर्ड देन मटेरियल स्टोलन आउट टू बी रिकवर्ड, देयरफॉर दैट रिलीफ कैन ओनली बी क्लेम्ड वंस दीज फैक्ट्स कम टू लाइट। नो पार्टी शुड बी अलाउड टू सिट ऑन द मनी रिसीव्ड बाय वे ऑफ किकबैक्स एंड ब्राइब। सीनियर एडवोकेट भूषण ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाया कि इतने साल से जो ये स्कीम चल रहा है उसमें काफी डोनेशन इकट्ठा हो गया है और इसमें एसआईटी को जांच करनी चाहिए, क्योंकि किसी और को गवर्नमेंट ब्रांच पर भरोसा नहीं है। एंड स्टेटेड, सो मेनी कंपनीज डोनेटेड विद इन 3 years ऑफ देयर इनकॉर्पोरेशन। The SIT, I am only asking to investigate into the quid pro quo. No other investigation reaches any conclusion or carried by any credibility. इस मामले में अब एक दूसरी related plea के साथ मौजूद हुए हैं senior advocate Hansaria, seeking confiscations of the amount in electoral bond scam. यहाँ पर senior advocate Hansaria ने electoral bond judgment के उस part पर focus किया है, जहाँ ये state किया गया है कि इस scheme के तहत मिले पैसे are subjected to PMLA as proceeds of crime. जिसके बाद उन्होंने supreme court bench के सामने state किया that FIRs have been closed after receiving 1,000 crores money. A company facing losses will pay 6,000 crores to parties. All political parties have received 100% exemption if they are treated as donations. Question is whether it is a voluntary contribution. हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पर उन्हें समझाया that we have held 13AB to be unconstitutional. जिसके आगे ऐड करते हुए एडवोकेट हंसारिया ने स्टेट किया, RP Act says donations if the character of voluntary donation or contribution is not there, they are not entitled to 100% exemption on income tax on money received under electoral bond scheme. इतना सब सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा कि लोक अदालत विल टेक अप एट 2:30, वी विल कम बैक इन अ व्हाइल एंड डिक्टेट एन ऑर्डर। और 2:30 बजे अपना ऑर्डर पास करते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस प्ली को डिसमिस कर दिया है और एक SIT फॉर्म करने से सख्त मना कर दिया है। इस मामले में अब देखते हैं कि आखिर पिटीशनर्स अब कौन सा दूसरा कदम उठा सकते हैं। इस केस के लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए की फॉलोइंग लॉ चक्रा।